शादी करना और शादी की शॉपिंग करना सबसे बड़ा बहुत ही मुश्किल काम होता है। शॉपिंग के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत दिन ख़राब होते हैं। तो इसी तरह मेरी बहन की थी शादी, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है। तो मेरी बहन ने मुझे बहुत घुमाया, हर चीज़ के लिए उसके साथ मैं बहुत घूमी, और फर्नीचर के लिए तो उसने मुझे पूरे 2 दिन घुमाया, तब जाके उसका फर्नीचर जो है डन हुआ है। सो मैंने यहाँ पर जस्ट वही वीडियो ऐड की है जहाँ जहाँ हमने डन किया था। ये जो आप सामने बेड देख रहे हैं, ये हमारी बहन का फर्नीचर है। सोफ़ा कम बेड है साथ में, बहुत खूबसूरत, बहुत पायदार, और इसके कॉर्नर्स बहुत प्यारे थे। इसकी सिंगार में इस मुझे बहुत अच्छी लगी, और सबसे अच्छी इसकी जो थी ये डोर, इसकी जो डोर थी वो 2 स्लाइडेड थी, यानी कि बीच में इसके मिड में जो था स्लाइडेड डोर था, और बोथ साइड जो है लास्ट एंड फर्स्ट में अलग अलग डोर थे। तो बहुत अच्छा डिज़ाइन था, बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत मुश्किल से मैंने उसको यहाँ डन कराया। सो देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। एंड सॉरी मेरा व्लॉग बहुत लेट हो गया, क्योंकि हम लोग थे मसरूफ़ शादी में, शादी के बाद फिर हम काफ़ी और चीज़ों में बिज़ी हो गए, जिसकी वजह से मेरा हो गया व्लॉग लेट। सो यहाँ मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा व्लॉग शेयर करने लगी हूँ, जो है मेरी बहन की शादी का। और फर्नीचर डन हुआ हमारा फाइनली, पूरे 2 दिन लगे इसको फाइनल होने में, और उसके बाद हमने की अपनी बहन की शादी की तैयारी। होपफुली इतने शोरूम घूमने के बाद दुल्हन की पसंद को पसंद कुछ आ गया, और दोनों ने कर लिया डन इस फर्नीचर को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान छुटी, हमने किया जल्दी से अल्लाह हाफिज़, और हम फिर घर पहुँचे, क्योंकि रात में था फंक्शन माइयों का, और हमने किया एंजॉय। सेम डे था बर्थडे हमारे मोहम्मद इब्राहिम का, लेकिन हम नहीं कर सके उसे विश, तो इसलिए हमने नेक्स्ट डे किया। सो आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। सो जाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला रही हूँ कि आपने बेल आइकन लाजमी दबाना है, सब्सक्राइब लाजमी करना है, कमेंट लाजमी करना है, और कमेंट में अपनी राय देनी है कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा और कैसा आगे नेक्स्ट ब्लॉग चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।